दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने के दौरान विमान के केबिन से धुआं उठता देख पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली जबलपुर स्पाइस जेट विमान को शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उस समय वापस लैंडिंग करानी पड़ी जब केबिन क्रू ने विमान के अंदर धुआं उठता देखा। विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया है। एक यात्री सौरभ छाबड़ा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, साथ में उसने लिखा कि आज सुबह इस घटना का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि स्पाइस जेट यात्रा के लिए अब असुरक्षित है। एक बार को तो यात्री घबराने लग गए थे, वह वापस दिल्ली लौट आए हैं। विमान में आग लग गई थी, शुक्र है कि हम सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि वह लंबे समय से फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन स्पाइस जेट के पास बैकअप नहीं है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।